हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ओट्स कटलेट बना रही हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। इसे ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है, तो ये वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी ओट्स ली है और आधा कटोरी मैंने दही ले ली है, तो ये हम मिक्स करके लेंगे। तो मैंने एक डोंगे में पहले ओट्स डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही को अच्छे से मिला लें। तो हमें ये थोड़ा सा थिक सा बैटर हमें बनाना है अपने कटलेट के लिए, गीला ना हो। तो आप देख लें कि आपका दही कैसा है, तो उसके हिसाब से आप दही मिलाएं। तो मैंने ये दही थोड़ी गाढ़ी दही ली है और लगेगा तो इसमें थोड़ा सा आधा मैं कटोरी पानी डालूंगी, तो बहुत ही थोड़ी सी हमें पानी डालना है। थोड़ा मुझे सूखा लग रहा, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए एक साइड में रख दिया है ताकि ओट्स हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम दूसरी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये मैंने दूसरी सब्जियां सब चॉप करके ले ली हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा सा है, इसको निकाल के थोड़ा सा मिक्स कर ले। सब्जियां जो हैं आप अपने पसंद की ले लें। मैंने एक बड़ा कांदा लिया है, सब चॉप करके रख लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, थोड़ी शिमला मिर्च ली है, थोड़ा पत्ता गोभी लिया है और हरी मिर्च ली है। तो मैंने एक हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये सबको अच्छे से मिला लेना है इसमें। मैंने तीन जो बॉईल किए हुए आलू लिए हुए हैं, मैंने उबाल के रख लिया था और इसे छील लिया है। तो तीन मीडियम साइज़ के आलू मैं इसमें डालूंगी। इसको आलू को मैश कर लें और इसमें डाल लें। अब मैं मसाले ले रही हूँ, सूखे मसाले। इसमें मैं गरम मसाला ले रही हूँ छोटे चम्मच में, थोड़ा सा लाल मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा धनिया पाउडर ले रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ। तो ये सब आधे छोटे चम्मच मैंने लिया है। मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें और नमक डाल दिया है। ये सब कुछ डाल के हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसको अच्छे से सबको मिला लें हाथ से। एक बार ये अच्छे से मिल जाए तो आप इसे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें सेट होने के लिए। नहीं तो अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप हाथ में तेल या पानी लगा के अपने कटलेट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी ले लिया है, आप चाहें तो तेल ले लें। दोनों ही तरीके से अच्छे से बॉल के शेप में हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हाथ में दबा के इसके कटलेट के शेप दे दें। अब मैंने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है तवे को और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डाल के हिला लें और जैसे ही तेल गरम हो जाए हमें इसे धीमी आंच में धीरे धीरे सेकना है। मैंने आंच कम कर दिया है। अब मैं अपने कटलेट्स इसमें डालूंगी और इसे एक तरफ रोस्ट होने के बाद पलट के दूसरे तरफ सेक लूंगी। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई करें। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।